नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप साप्ताहिक क्विज को अपने विद्यालय में भरवा सकते हैं बच्चों का, और उसका लिंक क्या है उसके माध्यम से। अब तो पुरानी व्यवस्था वो ख़त्म हो गई, नई व्यवस्था के अनुसार ये जो लिंक है आपको ब्राउज़र में टाइप करना है। जैसे ही आप गूगल टाइप करेंगे तो ये जो है आपको पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे अपना जो है आपको मोबाइल नंबर भरना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है विद्यालय का। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के बाद में आप जो है नीचे जो सेंड ओटीपी दिखाई दे रहा है इस पे अपना क्लिक कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर आप सही से भरें, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी को भरना है, अन्य कोई मोबाइल नहीं भरना। और सेंड ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया। अब आपको जो है 4 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप इनमें भर लें। थोड़ा टाइम लग सकता है तो इसलिए आप उसका वेट कर लें। जैसे ही ओटीपी प्राप्त हो, आप जो है एक तो ऑटोमेटिक ओटीपी भरने के लिए अलाउ को मांगता है, तो आप चाहे तो इसे अलाउ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे अलाउ ना करें, अपने आप ओटीपी इसमें फिलअप करें। तो यहाँ पे आप इसको डिनाई करके आप अपना जो भी 4 अंकों का आपके मैसेज में ओटीपी प्राप्त हुआ है उसे यहाँ पे भर लें। अपना ओटीपी जैसे ही भरेंगे और कंफर्म करेंगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे ये मिशन प्रेरणा क्विज आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा मैसेज से हाई टू सब्सक्राइब एंड चैट। तो आपको यहाँ पर हाय या हेलो बोलना है, तो यहाँ पे हाय हम कर देंगे। तो हाय जैसे ही क्लिक करेंगे तो उधर से रेस्पॉन्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे हम पहले क्विज करते थे तो पहले से रजिस्टर्ड था जो कि व्हाट्सएप पे होता था, जबकि अब जो है ये यहाँ पे पोर्टल पे। तो आपका पुनः स्वागत है। यहाँ पे पुरानी अगर किसी बच्चे को क्विज करानी है तो आप उसको सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कक्षा की है। एक चीज़ और, क्योंकि ये बच्चे पिछले सत्र में जो है पिछली कक्षाओं में थे, अब इनकी जो कक्षाएं हैं वो बदल चुकी हैं, आप इन बच्चों की कक्षाएं चेंज कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे पे सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे उसकी नई कक्षा के बारे में पूछेगा। मैंने अनम को कक्षा 7 को सेलेक्ट किया, तो अब पूछ रहा है शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए कृपया अनम की नई कक्षा चुनें। तो ये बच्ची जो है अब कक्षा 8 में आ गई है, तो अब मैं इसको कक्षा 8 सेलेक्ट कर लूँगा। तो हमें सेलेक्ट यहीं से करनी है, नीचे टाइप नहीं करना है। जैसे ही हम कक्षा 8 पर सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे कक्षा 8 आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है नेटवर्क की वजह से, तो आप थोड़ा वेट करें। आपने तो ये देखिए सेलेक्ट करते ही मैसेज आ गया, अनम का कक्षा 8 में रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब साइंस सप्ताह 9 का अभ्यास शुरू करते हैं। आपसे एक एक करके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर देने के लिए केवल विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, ये हाँ जो दे रखा है इस पे क्लिक करना है। और अगर आप अभी अभ्यास शुरू करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो इसलिए अभी शुरू नहीं करना, तो हमने नहीं पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम नहीं पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपको मैसेज मिलेगा, जल्द मिलेंगे, अभ्यास शुरू करने के लिए कृपया हेलो मैसेज करें। जब भी आपको दोबारा से शुरू करना है तो आप नीचे जो नमस्ते है इस पर क्लिक करना है, हेलो टाइप नहीं करना है। हेलो टाइप करेंगे तो आपको ये अभी जो नीचे मैसेज दिखाई दिया था ये दिखाई देगा। आपको नमस्ते पे क्लिक करना है, जो ये नमस्ते लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हिंदी में। तो हम इस पर नमस्ते पे क्लिक करेंगे, तो हमने देखिए नमस्ते पे क्लिक किया तो ये जो है अब आपको दोबारा से ये फिर से कक्षा चुनने के लिए, बच्चे चुनने के लिए कहेगा। तो हम इसमें से फिर एक विद्यार्थी चुन सकते हैं या फिर एक नया विद्यार्थी जोड़ सकते हैं। तो हम एक नए विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कृपया एक विद्यार्थी का पूरा नाम टाइप करें, तो हम यहाँ पे अब पूरा नाम टाइप कर लेंगे। मान लीजिए मुझे एक कक्षा 2 के बच्चे फैजान को जोड़ना है, उसे अभ्यास क्विज कराना है, क्विज का अभ्यास कराना है। तो मैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ फैजान। आप भी अपने क्लास के बच्चों का जिसका भी आपको कराना है टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करने के बाद में आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड टाइप करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और,
यूडाइस कोड आपको जो है पूरा जो है जीरो के साथ में टाइप करना है। पीछे जब हम करते थे तो उसमें बिना जीरो के हम यूडाइस कोड टाइप करते थे व्हाट्सएप पे, जबकि यहाँ पे हमें फुल जीरो के साथ में अपने विद्यालय का यूडाइस कोड टाइप करना है। तो मैं अपने विद्यालय का यूडाइस कोड टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ पे टाइप कर लें। आप जैसे ही यूडाइस कोड टाइप करेंगे और इस पे जो मैसेज का जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से मैसेज आएगा, कृपया स्कूल विवरण की पुष्टि करें, स्कूल कोड वगैरह विवरण है। अगर स्कूल विवरण सही है तो इस पे सही पे क्लिक करेंगे, और अगर सही नहीं है तो आपको दोबारा से स्कूल कोड यूडाइस फिर से भेजें, इस पे क्लिक करना होगा। क्योंकि ये सही है तो मैं स्कूल विवरण सही पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये और इस पे एरो के मैसेज करेंगे तो ये आ जाएगा स्कूल विवरण सही है, और फिर दोबारा से ये कक्षा चुनने के लिए कहेगा जिस भी कक्षा में आपको आप अभ्यास कराना है। मेरा विद्यालय कंपोजिट है तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं दिखाई दे रही हैं। आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 हो या 6 से 8 हो तो उसी के अनुसार उसमें कक्षाएं दिखाई देंगी। मैंने कक्षा 2 चुनी तो फिर से फैजान का पंजीकरण हो चुका है, पहले से इसमें बताएगा उसका अभ्यास शुरू करने के लिए कहेगा। क्योंकि आज दिन अभ्यास का नहीं है तो आपको नीचे से मैसेज आ रहा है कि आपको जो है अभ्यास जो है शनिवार अथवा रविवार के दिन करना है। क्योंकि बाकी क्लास के लिए जो भी अभ्यास आता है वो डे वाइज आता है, आप जिस भी कक्षा को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका अभ्यास उसी के अनुसार आता रहेगा। और इस तरह से आप अपने जो बच्चे हैं कक्षा के उन्हें प्रत्येक सप्ताह और दिन में भी किसी भी दिन जिस भी दिन आप चेक करके देख सकते हैं कि उनका अभ्यास आ रहा है या नहीं आ रहा। आप यहाँ पे कक्षा सेलेक्ट करके और विद्यार्थी को सेलेक्ट करके अपना क्विज करा सकते हैं, और इसमें आप नए अभ्यर्थियों को नए विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे किस तरह से आपको नए विद्यार्थियों को जोड़ना है, और इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और आप यहाँ ऊपर से भी टाइप कर सकते हैं। देखिए अगर अभ्यास का कोई नहीं चल रहा है तो ये ऊपर जो है ये मैसेज आपको आ जाएगा कि अभी जो है कोई भी उपलब्ध नहीं है, अगर होगा तो आपको तुरंत प्रश्न उधर से आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने बच्चों का जो है अभ्यास करा सकते हैं, और ये वीडियो मैं समझता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल मददगार साबित हुई होगी। अगर साबित है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आप सभी का नमस्कार।